हेलो स्टूडेंट्स, इन अवर प्रीवियस पार्ट ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्सन वी हैव लर्न अबाउट हाउ टू सॉल्व क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड कॉफिशेंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज एंड इंडिविजुअल सीरीज. इन दिस लेक्चर वी विल लर्न हाउ टू सॉल्व ऑल दिस इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करते हैं डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की, तो सबसे पहला जो काम इसमें करना होता है वो क्या निकालना होता है. सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो देखिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ का मतलब होता है सभी का आपस में क्या होना, सभी फ्रीक्वेंसीज़ का आपस में सम होना, जोड़ना. इनका 4 हो गया, 10 प्लस 4 हो जाएगा 14, 14 प्लस 15 29, 29 प्लस 20 दैट इज 49 एंड दिस इज योर 60. ना फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग क्वार्टाइल डेविएशन इज क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट, सॉरी इंटर क्वार्टाइल रेंज का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट. अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में या कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्वार्टाइल थर्ड और क्वार्टाइल फर्स्ट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे. देखिए, क्वार्टाइल फर्स्ट की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है साइज ऑफ एन बाय फोर्थ आइटम ऑफ द सीरीज, एन बाय फोर्थ आइटम. ठीक है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में क्या होता है फॉर्मूला, वहाँ होता है एन प्लस वन डिवाइड बाय फोर्थ आइटम. ठीक है, और वहाँ इसी से हमें एग्जैक्ट जो वैल्यू आती है वो क्या हो जाती है, मिल जाती है. लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ हमें क्या बताएगा, कंसर्न क्लास के बारे में बताएगा. एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. तो एन की अगर हम बात करें तो एन हमारा यहाँ पे क्या है, 60. तो ये हो जाएगा 60 बाय 4, यानी कि जो 15th आइटम होगा. ठीक है, तो 15th आइटम जो है सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कहाँ लाई करेगा. तो देखिए, 15th जो है सबसे पहले यहाँ लाई करेगा, यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ नहीं है. तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कंसर्न क्लास हो जाएगी. मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे सिर्फ हमें कंसर्न क्लास मिलेगी. एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्मूला निकालना पड़ेगा. ठीक है, और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या है, दैट इज एल वन प्लस एन बाय फोर माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में आई. ठीक है, एन बाय फोर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. एन बाय फोर जो आया वो हमारा क्या आया है, 15th आया है. एल वन क्या है, ये कंसर्न क्लास है, लोअर लिमिट अपर लिमिट. अपर लिमिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लोअर लिमिट 40. एन बाय फोर की जो वैल्यू आई है वो हमारी कितनी आई है, 15. सी एफ क्या हो जाएगा, कंसर्न क्लास के सामने जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की वो फ्रीक्वेंसी, और जो प्रिसीडिंग सी एफ है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, सी एफ 14 अपॉन जो फ्रीक्वेंसी है वो 15. आई जो है वो डिफरेंस होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच, तो 40 और 60 के बीच जो डिफरेंस है वो कितना है, 20. ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 40 प्लस यहाँ 1 होगा, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 20 बाय 15. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 41.33. क्लियर, तो जो क्वार्टाइल फर्स्ट की जो एग्जैक्ट वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आ गई, 41.33. इसी तरह से हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, क्वार्टाइल थर्ड. क्वार्टाइल थर्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइज ऑफ, मैंने आपको बताया है एन बाय फोर तो रहेगा ही रहेगा, अब इसमें थर्ड आइटम पूछा है तो थर्ड से ही इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो. तो ये हो जाएगा 3 इंटू जो एन बाय फोर है वो हमारा कितना आया है, 15 आया है, उसको हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. तो दैट मीन्स जो 45th आइटम जो होगा हमारा सीरीज का, वही हमारी क्या हो जाएगी, कंसर्न क्लास. अब 45th जो है वो आप देखोगे यहाँ लाई करेगा, यानी कि क्वार्टाइल थर्ड के लिए अगर हम कंसर्न क्लास की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, 60 to 80. यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 20 हो जाएगी और सी एफ जो है वो क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा. तो देखिए, अब क्वार्टाइल थर्ड के लिए हम वैल्यू लिखते हैं, ये आ गया. अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, एग्जैक्ट इंटरवल हमें पता चल गया कौन सा, तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होगा, L1 प्लस 3 इंटू एन बाय फोर
माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इंटू में इंटरवल। L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 60, 3 इंटू 60 बाय 4, और CF क्या हो जाएगा 29, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 20, और इंटरवल जो है वो हमारा कितना है 20 है। ठीक है, तो ये आएगा 60 प्लस, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 45 आ जाएगा, 29 अपॉन 20 इंटू 20, 60 प्लस 45 माइनस 29 हो जाएगा 16 अपॉन 20 इंटू 20, 20 से 20 कैंसिल और ये हमारा क्या आ जाएगा 76। क्वार्टाइल फर्स्ट की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 41.33 एंड द क्वार्टाइल थर्ड इज 76। तो अभी अगर हम यहाँ से निकालें इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो उसका फॉर्मूला होता है क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट, 76 माइनस 41.33, तो ये आ जाएगा 34.67। अगर हम बात करें क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको कि सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं, इस फॉर्मूले को किससे डिवाइड कर दो, 2 से, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट का डिफरेंस अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया है, कितना आया है 34.67 अपॉन 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 17.34। अगर हम बात करते हैं कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो ये हो जाएगा क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल वन, क्वार्टाइल थर्ड प्लस क्वार्टाइल फर्स्ट। क्वार्टाइल थर्ड इज 76 माइनस 41.33, 76 प्लस 41.33, और इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 34.67, इनका एडिशन होगा तो वैल्यू विल बी 117.33। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.30, यानी कि जो कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आया है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है 0.30। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखना है कि फॉर्मूला है कैलकुलेशन के लिए n बाय फोर्थ आइटम ऑफ द सीरीज, इससे सिर्फ कंसर्न क्लास आपको पता लग जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज L1 प्लस n बाय फोर माइनस CF अपॉन F इंटू में I। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग।